दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले तीन दिनों में लगातार एक के बाद एक लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं फरीदाबाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। ताज़ा मामला बल्लभगढ़ के दिगांव रोड शिव कॉलोनी के पास का है, जहां पर देर रात को अज्ञात बदमाशों ने हथियार के बल पर एक कोल्ड ड्रिंक के होलसेल व्यापारी से 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला और व्यापारी को घायल कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल व्यापारी को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मौके पर पहुंचे बल्लभगढ़ के बाजार के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने लगातार शहर में हो रही लूट की वारदातों से नाराज होकर मेन रोड पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद व्यापारियों ने जाम खोल दिया और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। 9:15 बजे क्या हुआ था? ये पैसे की लूट मार के लिए आए थे। पैसे की लूट मार? ज्यादा रात भी नहीं हुई थी? 9:15 बजे टाइम है, वैसे थोड़ी है ज्यादा। तो समय और भी दुकान खुली हुई होंगी? खुल रही थी, बराबर में खुल रही थी। बराबर में खुली हुई थी? अब पता नहीं जी भैया, लूटने के लिए आए कैसे आए, मारने के लिए बंदा होगा तो ये हो सकता है ना। तो क्या कुछ हथियार लेकर? हथियार चाकू भी था, उनपे पिस्टन भी थी। इस तरीके से घटना एक के बाद एक हो रही है, हथियारबंद बदमाश आते हैं लूट करके चले जाते हैं, क्या लगता है क्या दहशत फैला रहे हैं वो? देखिए, जो आपने देखा पिछले आज तीसरा दिन है और चौथी वारदात है बल्लभगढ़ शहर के अंदर। जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं और पिछले तीन दिन के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक इन वारदातों को जो अपराधियों ने अंजाम दिया, इस शहर के सभी लोग घबराए हुए हैं और सारा प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। हमने सभी आला अधिकारियों को इस बात को उन लोगों तक पहुंचाया है और लोगों में जो आक्रोश है उसको भी उन तक पहुंचाने तक का काम किया है। और अभी मैंने स्वयं यहाँ आकर जो जाम लोगों ने लगा रखा था उसको हमने खोला यहाँ पे, और अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम हम लोगों ने प्रशासन को दिया है। और अगले 24 घंटे में अगर इस पर कार्रवाई नहीं प्रशासन करता, इन लोगों को नहीं पकड़ता है, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो कमिश्नर साहब से भी मिलेगी और चाहे उसे रोड जाम करना पड़े, कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, इस तरह की गुंडागर्दी शहर में नहीं होने दी जाएगी। स्थानीय निवासी की माने तो यहाँ के व्यापारियों में लगातार शहर के अंदर हो रही लूट की वारदातों से दहशत का माहौल है और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार शहर में पुलिस की मौजूदगी के बाद लुटेरे इस तरीके की वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं और आसानी से बचकर निकल भी जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की बात कह रही है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।